ये अनंत कुमार जी हैं, ब्रिलियंट टीचर है, ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री हो गई आईटी में। अनंत कुमार मास्टर ब्लास्टर, अब एक्सीडेंट कोचिंग में पढ़ाएंगे। व्हाई माय सोनी। हेलो हेलो हेलो, आईआईटी जेई एडवांस का रिजल्ट जो है वो आ गया है, और आईआईटी जेई एडवांस के रिजल्ट हो और आनंद कुमार के सुपर 30 की बात ना हो तो ये बेईमानी होगी। इस वीडियो में हम आनंद कुमार के सुपर 30 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि कल शाम को आईआईटी जेई एडवांस का रिजल्ट आईआईटी रुड़की ने जारी किया था, जो कि रिजल्ट अभी अवेलेबल है JEE या JEE ADV.ac.in। तो यहाँ अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो कृपया जाइए और अपना रिजल्ट चेक कीजिए। हमारे बिहार डेलीगेशन की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। तो आपको बता दूं कि इस एग्जाम में जो टॉप किए हैं वो है महाराष्ट्र के कार्तिकेय गुप्ता, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। वहीं IIT रैंक 3 ला के अर्चित भुगना ने बिहार का नाम रोशन किया। आपको बता दूं कि अर्चित मूल रूप से हाजीपुर के निवासी है और फिलहाल दिल्ली में रहकर IIT जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आनंद कुमार की सुपर 30 के बारे में। तो मैं आ गया हूँ आनंद कुमार के ऑफिशियल फेसबुक। आनंद कुमार के सुपर 30 से इस बार 18 बच्चों का सिलेक्शन IIT के लिए हुआ है, इसके अलावा कई सारे बच्चों का सिलेक्शन JEE के लिए हुआ है। समय में आनंद कुमार के ऑफिशियल पेज पे हूँ, जहाँ आपको बता देता हूँ आनंद कुमार ने सुबह ही मैसेज करके ये जानकारी दी है। आनंद कुमार ने अपने ऑफिशियल पेज पे लिखा है, आज फिर से एक बार मेहनत से निर्धनता हार गई है, जश्न का माहौल है, सब कुछ है, तमाम मुश्किलों के बावजूद आज न सिर्फ 18 स्टूडेंट ने IIT में बाजी मारी है बल्कि बाकी स्टूडेंट ने भी JEE एडवांस में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनका भी NIT में एडमिशन तय है। धन्यवाद सपोर्ट के लिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे 14 तारीख की पोस्ट की गई है, इससे पहले ही शुक्रवार को उन्होंने 30 विद्यार्थियों का नाम अपने फेसबुक पेज पे जारी कर दिया था। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए उन 30 विद्यार्थियों का नाम आनंद कुमार ने पहले ही जारी कर दिया था, ताकि उनके संस्था पे बार बार ये सवाल उठते रहता है कि आप रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट का नाम बताते हैं, यानी कि आप स्टूडेंटों के नाम की खरीद फरोश करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आनंद कुमार IIT JEE एडवांस के रिजल्ट घोषित होने से एक दिन पहले ही, अपने एक या दो दिन पहले अपने तमाम स्टूडेंट जो सुपर 30 के लिए सेलेक्ट होते हैं उनके टीम में उनका नाम जारी कर देते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।